आज हम Keras और उनकी उसकी इंस्टॉलेशंस की बात करेंगे कि आप Keras को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने IDE में, अपने लैपटॉप के IDE में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. सो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, यू मस्ट हैव PyCharm Python 3.7.3 इंस्टॉल्ड. सो एज यू नो के यू शुड हैव PyCharm, सही है, और Python 3.5 भी सही है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए आपके पास सो दैट बाकी कंपेटिबिलिटीज़ उसकी सही रहें. और आफ्टर दैट जब आपके पास ये सब इंस्टॉल होगा तो यू विल कम टू नो हाउ टू इंस्टॉल Keras और उसका बैक एंड. एज यू नो कि हम लोग TensorFlow यूज़ कर रहे हैं, सो TensorFlow भी इंस्टॉल करेंगे, Matplotlib भी इंस्टॉल करेंगे और लेट्स सी हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. You'll make a new project. You'll go in new. You'll type your project name. You can use any name. कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं. Keras 2. So when you click create पे क्लिक करेंगे तो आपका एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद आप यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे. और यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक सेटअप और एक पिप. सो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे Keras. As you know, मेरे मॉडल में Keras इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो आप Keras पे क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देंगे. आफ्टर इंस्टॉलेशन इट विल शो Keras ओवर हियर. व्हेन यू गो इन अल्फाबेटिकली यू विल गो इन के. So after that you will reopen this same window and click plus sign again and you will install the backend of Keras, which is TensorFlow. You will do the same steps. You will click install package पर click करेंगे और जब install हो जाएगा उसके बाद इसी तरीके से Matplotlib और NumPy करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो Keras खुद ही इंस्टॉल कर देगा आपके लैपटॉप में. सो आई गेस आप लोगों को कोई मसला नहीं हुआ होगा ये समझने में कि Keras को आप अपने लैपटॉप में अपने IDE में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. सो या थैंक्स.